बठिंडा के विजय एमसी द्वारा किया गया अनोखा प्रदर्शन, जिसमें विजय एमसी और आम पब्लिक ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर प्रदेश की सरकार वैट कम कर देती है तो उससे भी आम जन को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को नीचे दिखाने के लिए यह कदम नहीं उठा रही। पेट्रोल डीजल की महंगाई में सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। तेल ऐसे तरह सरकार पंजाब दिया सरकार वांगू लुटदिया रही तो दो राज्य के अंदर सरकार है। जो तुम कहें असी सेंट्रल सरकार नीवा दिखाना है, तुम अपना पैट खत्म कर दो, आप ही नीवे हो जाएंगे। इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को खाली लिफाफा सरकार बताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बातें करती है। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तब इन्होंने घर घर में नौकरी और मोबाइल देने का वादा किया था, परंतु अभी तक ना तो किसी को नौकरी मिली और ना ही कोई मोबाइल मिला। इस दौरान विजय एमसी ने कहा कि वो समय दूर नहीं जब दोबारा तांगा और घोड़े की सवारियां करनी पड़ेंगी। पेट्रोल और डीजल की इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर हो चुका है। मैं ये जरा कल्चर जरा हूँ तो टांगे दे दिखाया है, ये टाइम दूर नहीं और समय दूर नहीं, चलो सानू घोड़ियाँ ते उठा ते टांगियाँ ते चलना पिया करूँगा। मैं शहर वासियों भी बेनती करूँगा, पंजाब वासियों बेनती करूँगा, सारे हिंदुस्तान के वासियों बेनती करूँगा कि जड़ियाँ तुहाड़ियाँ सरकारां रेट वध लांदियां उन्होंने तो कटवाओ ते सड़कां ते आओ, आपके हक लई तुहानू लड़ना पैना है। ये लारेवाल सरकार कांग्रेस की जिहड़ी पंजाब दे अंदर बनी है, जिन्हें डेढ़ सालों के गप मार के आई है, किसी उन्हें कुछ नहीं दिता, ना किसी नौकरी दिती, ना किसी महंगाई पत्ता दिता, ना मोबाइल दिता, ना खंड दिती, ना पत्ती दिती, ना नौकरी दिती घर घर।